आप देख सकते हैं मैं योगी राकेश ना, आज मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में लॉकडाउन लगने की वजह से काफ़ी विकलांग असहाय लोग बहुत परेशान हैं। मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री केजरीवाल को कि इस तरीके के जो विकलांग असहाय लोग कनॉट प्लेस या इंडिया गेट या आपको कहीं पर भी दिख जाते हैं, इन लोगों की दिल्ली सरकार भी इनकी मदद करे। और सभी दिल्ली वासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे असहाय विकलांग लोगों की मदद में आए सभी लोग। आज मैंने असहाय विकलांग लोगों को दिल्ली में राशन वितरण कार्यक्रम करा। ठंड पड़ रही है, इनको चाय पत्ती दी है, इनको रिफाइंड दाल सब इनको मैंने वितरण कराए सभी विकलांगों को। और मैंने इन सब लोगों को 100-100 रुपये भी, आज 100-100 रुपये भी मैं इन लोगों को दे रहा हूँ विकलांगों को। आप देख सकते हैं बाबा, ये लो, आप देख सकते हैं दिल्ली में लॉकडाउन है इसलिए मैं सभी असहाय जरूरतमंद लोगों को 100-100 रुपये वितरण दे रहा हूँ, दान कर रहा हूँ 100-100 रुपये। और सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ सभी लोग असहाय विकलांगों की मदद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए। ठीक है बाबा, आप बताइए आपको राशन मिला है कि नहीं मिला? राशन मिला, 100-100 रुपया मिला हमको। हाँ, तो मैं योगी राकेशनाथ ये मैं राशन उन्हीं को वितरण कर रहा हूँ। मैं समस्त भारतवासियों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी विकलांग असहाय जो खुद खाना बनाता हो उसमें राशन की कमी हो तो उनको मैं राशन देता हूँ और उनको मैं थोड़ा बहुत पैसा भी देता हूँ खर्चे के लिए। तो समस्त भारतवासियों से मैं कहना चाहता हूँ सभी लोग असहाय विकलांगों की सेवा के लिए आ गया। जय श्री राम, जय गौ माता, जय श्री राम, जय गौ माता। मैं योगी राकेशनाथ, आप देख सकते हैं आज मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली कनॉट प्लेस में। और मेरे को सूचना आई थी कि आपका नाम क्या भैया, बताओ अपना नाम क्या, आपका नाम क्या है? देखिए ये दिल्ली में इंडिया गेट पे हैंडीकैप लोग रहते हैं और ये खाना बनाते हैं। मेरे को किसी ने सूचना दी थी कि ये खाना बनाते हैं और तो इनके पास राशन का थोड़ा कमी है लॉकडाउन की वजह से, दिल्ली में लॉकडाउन है। तो मैं दिल्ली वालों सभी से मैं अपील कर रहा हूँ कि जो ऐसे हैंडीकैप्ड लोग हैं जो साइकिल पे खाना बनाते हैं, साइकिल पे ही रहते हैं, बाबा आप साइकिल पे ही रहते हो ना? हाँ। जो लोग साइकिल पे रहते हैं इन ऐसे हैंडीकैप की सेवा के लिए सभी लोग आगे आएँ, इनको राशन दें। तो मेरे को पता लगा था ये खाना बनाते हैं, किसी ने मेरे जानने वाले ने मेरे को सूचना दी थी तो मैं आज इनके लिए इनको मैं राशन इनको मैं दे रहा हूँ। राशन आप देख सकते हैं, इनको राशन मैं दे रहा हूँ इनको। कोई नहीं थी इसमें इनको लिए मैं ये चावल दे रहा हूँ इनको, अभी थोड़ा सा 5-5 किलो चावल बांट रहा हूँ मैं। और चावल दाल रिफाइंड मसाला सब मैं इनको दे रहा हूँ। और मैं समस्त भारतवासियों से कहना चाहता हूँ असहाय विकलांगों की मदद के लिए सभी लोग आगे आए, सभी लोग सहयोग करें। बाबा अपना नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम परमेश्वर, बोल नाम बोलो अपना। मेरा नाम है परमेश्वर। अच्छा, आप राशन खुद बनाते, खाना बनाते हैं? मैं अपने खाना बनाता हूँ। तो विकलांग है आप? हाँ मैं विकलांग हूँ। और दिल्ली सरकार से आपको कोई मदद नहीं मिली? सरकार मेरे को केजरीवाल अभी तक कोई राशन पानी नहीं दिया हमारा। अच्छा। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ऐसे असहाय विकलांग जो रोडों पर रहते हैं इनकी तरफ भी ध्यान दें, इनको भी राशन कंबल बांटे। देखिए दिल्ली में असहाय विकलांग लोग भूख के मारे परेशान है, ना इनके पास कंबल है। जैसे ही मेरे को सूचना आई मैं राशन लेके आया हूँ। और मैं समस्त भारतवासियों से कहना चाहता हूँ अगर आपके आसपास कोई भी असहाय विकलांग व्यक्ति है जिसके पास राशन की व्यवस्था ना हो आप मेरे नंबर पर सूचना दें। मेरा मोबाइल नंबर है 8755091361, मेरा मोबाइल नंबर है, मेरे को व्हाट्सअप करें ताकि मैं जरूरतमंदों तक असहाय लोगों तक राशन वितरण कर सकूँ। जय श्री राम, जय गौ माता।